चुनावी माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता और मुकेश शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए पत्रकार वार्ता में संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोपों को भाजपा नेताओं ने झूठा बताया। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने सर्वाधिक 80 बार संविधान में संशोधन किए हैं। देश का संविधान बदलने के कांग्रेस के आरोपों को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसे लेकर बुधवार को गंजपारा स्थित भाजपा के मुख्य लोकसभा चुनाव कार्यालय में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोटसिवाड़ा, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता व मुकेश शर्मा ने संयुक्त रूप से मीडिया से चर्चा में कांग्रेस को जमकर घेरा। अहिवारा विधायक डोमन लाल कोटसिवाड़ा ने चर्चा में कहा कि भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदलेंगे। छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भाजपा पर संविधान बदलने का आरोप लगाकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस सरकार ने अपने पूर्व कार्यकाल में सर्वाधिक 80 बार संविधान में संशोधन किया है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने 30 बार और इंदिरा गांधी सरकार ने 25 बार व पंडित जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार ने 16 बार संविधान में संशोधन किया है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ सभी वर्गों के लिए कई जनकल्याणकारी कार्य किए हैं, जिसे जनता जानती व समझती है। इंदिरा जी ने लगाया 1976 में बिना संसद की बैठक बुलाए, इसमें उन्होंने संशोधन कर दिया जो लोकतंत्र में संविधान की हत्या मानते हैं हम, और उसमें शब्द जोड़ दिया संप्रभु सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। जबकि धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक पहले हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। मेरा मानना है कि माननीय भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान की मूल रचना से छेड़छाड़ के लिए मना किया था, कांग्रेस में ने उसे भी संशोधित कर दिया। भाजपा इस पे अगर किसी प्रकार का संशोधन लाएगी तो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे मां, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए लाएगी। चर्चा में प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि देश के संविधान में कुल 106 बार संशोधन किए गए हैं, जिसमें कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 80 बार संशोधन किए हैं। कांग्रेस ने हमेशा संविधान के मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ कर लोकतंत्र का मजाक बनाया है। भाजपा अगर संविधान का संशोधन करेगी तो वह राष्ट्रहित में संशोधन होगा, लेकिन लोगों के मौलिक अधिकार कभी छीने नहीं जाएंगे। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ राजीव भवन रायपुर में घटित घटना को महिला अपमान का बड़ा प्रमाण बताया है। महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाना भाजपा के प्राथमिकता में रहा है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। ये मोदी की गारंटी व विष्णुदेव साय की सुशासन का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जो बारंबार मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी, राहुल जी ये बात कह रहे हैं कि संविधान से भाजपा छेड़छाड़ करेगी, संविधान परिवर्तित करेगी, तो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस पार्टी ने 80 बार संविधान में संशोधन किया, अभी तक संविधान बनने के बाद से कुल 106 बार संशोधन हुए हैं और 80 बार कांग्रेस पार्टी ने किया। और यहाँ तक कि संविधान का जो मूल स्वरूप है, आपातकाल जब लगाया इंदिरा जी ने, उस समय उसके मूल स्वरूप से भी छेड़छाड़ की गई। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे माँ, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, इन आधारों पर संविधान में जो आंशिक संशोधन करने पड़ेंगे वो 106 बार हुए, 80 बार कांग्रेस ने करे। भाजपा देश के विकास के लिए इसमें जो भी होगा वो करेगी, पर कांग्रेस जैसा डरा रही है संविधान का मूल स्वरूप बदलेगा तो यहाँ आपातकाल लगाने वाले इंदिरा जी जैसे लोग नहीं हैं। कल राधिका खेड़ा जी जब कांग्रेस भवन राजीव भवन में रायपुर शंकर नगर में थी, उस समय उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका मन व्यथित हुआ। अब एक महिला है और महिला के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ कैसा व्यवहार हुआ, ये तो जब वो स्पष्ट करेंगी, खुलासा करेंगी, तब मालूम चलेगा। वो जिस तरह से फूट फूट कर रो रही थी और उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें कह रही थी, मैं 40 साल से कांग्रेस में हूँ और ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूंगी, और आज वो थाने में भी गई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो घटना उनके साथ घटी है वो काफ़ी निंदनीय होगी और अशोभनीय होगी।
और वो महालक्ष्मी योजना की बात करते हैं, अरे जो अपने यहाँ की नेत्री का सम्मान नहीं करते, जिन्होंने विधवा पेंशन योजना नहीं दी भूपेश बघेल जी ने अपने कार्यकाल में, वो कैसी बात करते हैं। कांग्रेस का महिलाओं में अपमान होता है, ये कांग्रेस के DNA में है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।